नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक और जहां बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं आपको बता दें इसका जवाब भी बीजेपी को मिलता जा रहा है। लगातार राजद और जेडीयू हमलावर बीजेपी को पलटवार भी कर रही है, तो वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से सुशील मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें सुशील कुमार मोदी बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव को लेकर के जमकर बोलते नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र यादव के आपराधिक मामलों की लंबी लिस्ट लेकर के नजर आ रहे हैं सुशील कुमार मोदी, जिस लिस्ट में उनके अपराध के बारे में पूरा बायोडाटा रखा है। बता दें, बच्ची के साथ में यौन शोषण का मामला हो, या फिर फायरिंग करने का मामला हो, या फिर अपराध की लंबी कहानी क्यों ना हो, पूरी की पूरी लिस्ट लेकर सुशील कुमार मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में सारी बातें लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शान मकान गया में और आसपास 15 प्लॉट जब्त कर लिया था। मंटू यादव पर हत्या अपहरण रंगदारी के 11 मामले दर्ज थे, तो सुरेंद्र यादव जो अपराध कराते थे या रंगदारी या दबंगई दिखाते थे, उसमें अपने बॉडीगार्ड, अपने ड्राइवर, अपने भाई का पूरा इस्तेमाल करते थे। और अभी हाल की घटना तो सबको मालूम है कि मंत्री बनने के बाद जब वो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने क्या कहा उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को अपने मंत्री परिषद में शामिल कर बिहार में सुशासन कैसे कायम करें, पूरे देश में आप किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं? तो गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी एवं भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट लोगों को अविलंब मंत्री परिषद से बर्खास्त करें, अन्यथा पूरे देश में एक बहुत बिहार की नकारात्मक छवि बन रही है कि सरकार में बड़ी संख्या में आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोग इस सरकार में शामिल हैं। इसे मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि सुरेंद्र यादव एवं अन्य ऐसे मंत्रियों को, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो चार्जशीटेड हैं, ऐसे सभी लोगों को और अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अन्यथा जो एक बिहार की हम लोगों ने एक सकारात्मक छवि बनाई पूरे देश के अंदर, वो छवि बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और बिहार शर्मसार हो। तो मित्रों, मुख्य रूप से मुझे सुरेंद्र यादव के आपराधिक इतिहास के बारे में संक्षेप में आपको बताना था। इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो सुरेंद्र यादव, जिससे मैंने पहले भी कहा कि मैं दूसरे किसी विषय का जवाब आज नहीं दूंगा, अलग से भी बात कीजिएगा। उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब मामले का ट्रायल चल रहा है। दूसरा मामला मित्रों, जो पुराने पत्रकार उनको ध्यान में होगा कि बिहार में एक अतुल अपहरण कांड पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई थी, उस अतुल अपहरण कांड में श्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। और ये कांड क्या है, तभी झारखंड में जिस प्रेम प्रकाश का आप नाम सुन रहे हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड में 2 AK-47 राइफल जिनके घर से मिला, ईडी ने जिनको गिरफ्तार किया, इस प्रेम प्रकाश का भी संबंध सुरेंद्र यादव से है। और मैं थोड़ा उस घटना के बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, चूँकि जानना आवश्यक है। ये प्रेम प्रकाश पटना के SBI के अंदर पदाधिकारी था और चारा घोटाले का करोड़ों रुपया जो राजनेताओं की काली कमाई थी उसके यहाँ वो पैसा जमा था। और प्रेम प्रकाश चारा घोटाले की काली कमाई को पैसे को लेकर फरार हो जाता है, तभी सुरेंद्र यादव, लालू यादव के साले सुभाष यादव, इन लोगों ने FIR दर्ज किया पटना में और एक पुलिस टीम को गुजरात भेजा, बड़ौदा। और बड़ौदा पुलिस टीम गई प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने, प्रेम प्रकाश नहीं मिले तो उसके छोटे भाई अतुल प्रकाश जो हैं
उनको पुलिस ने पकड़ लिया और हवाई जहाज से लेकर आई और पटना लाने के बजाय जबरदस्ती इन लोगों ने गया से होकर गुजरने वाली राजधानी में उसको बैठवा दिया। तो देखा आपने सुरेंद्र यादव पर जहां सुशील मोदी लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं इसे लेकर के जल्द ही राजद की तरफ से भी कोई पलटवार जरूर होना है, क्योंकि जहां एक और बीजेपी लगातार हमला कर रही है तो राजद भी चुप्पी साधे नहीं बैठा है। अब देखना यह होगा कि इस पर राजद की तरफ से क्या बयान आता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।